नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आज आप हमारे यहाँ गौ घाट यमुना मिशन पर आए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज आप हमें यहाँ के बारे में बताएं, यहाँ का आपको क्या पता है? अभी मार्ग में हम सब आ रहे थे जी, महाराज जी से यही चर्चा ही करते आए आज तक। गुरुजनों से जैसे सुना हमने, जो सिखाया गया कि इस तरह से मानस चिंतन करना चाहिए, निकुंज का चिंतन करना चाहिए, इस तरह से निकुंज का निर्माण होना चाहिए, जो मानसिक रूप से आज तक प्रयास करता रहा हो, प्रायः सब ऐसे करते हैं जो साधक जन हैं, किंतु आज इस वन क्षेत्र में आने से लगा, यमुना मिशन वालों का यह उपक्रम देखकर, यह कार्य देखकर लगा कि आज वो मानसी कृत्य जो वो साधना वो सोच आज यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, यह अत्यंत स्तुत्य कार्य है। और इस प्रकार निकुंज के माध्यम से ब्रज अपने शब्द को सार्थक करते हुए व्यापक होकर विश्वव्यापी हो, विश्व में यह प्रसारित हो, संदेश सब यमुना मिशन वालों से सीखें, ऐसे ही निकुंज निर्माण करें प्रिया प्रियतम की प्रसन्नता के उद्देश्य से। सबसे बड़ी बात यह है, काम तो सब करते हैं, बड़े से बड़े काम करते हैं, लेकिन वह काम काम ही रह जाता है। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, निजेंद्रिय तृप्ति वांछा तारे वाले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। काम में प्रेम में यही अंतर है, अपने शरीर अपने संबंधियों के लिए कुछ भी कार्य किया जाए, बड़ा से बड़ा कार्य, तो वह काम ही कहलाता है। और श्री प्रिया प्रियतम के उद्देश्य से उनकी प्रशंसा के प्रसन्नता के लिए किया हुआ कार्य, चाहे कैसा भी कार्य हो, वह प्रेम कहलाता है। यह विशेष बात सीखने योग्य इसलिए है यमुना मिशन से, क्योंकि सीधा इसका संबंध प्रिया प्रियतम की प्रसन्नता से है। संसार में बहुत से प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति संरक्षक हैं, कर रहे हैं कार्य, लेकिन अन्य अन्य प्रयोजन है, वो भी उपकार ही है, परोपकार के उद्देश्य से कर रहे हैं, किंतु प्रिया प्रियतम के उद्देश्य से, जो उनकी प्रसन्नता के उद्देश्य से जो यह कार्य हो रहा है, यह संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, सब प्रिया प्रियतम के लिए ही यदि करे ना, इनकी प्रसन्नता में सबकी प्रसन्नता है, विश्वात्मा है। सुदामा जी के एक चावल खा लिए ठाकुर जी, विश्वात्मा का एक ही चावल बचा भिक्षा का, और उसको उन्होंने अर्पण किया कि प्रभु एक बचा है, यह आप पाओ और तृप्त हो, उनको तृप्त करने की होने की के लिए प्रार्थना की, विश्वात्मा तृप्त हुए, सारे विश्व जितने जहाँ जो भूखा सबका पेट भर गया। तो यह प्रिया प्रियतम की प्रसन्नता का कार्य सारे जगत के सारे दुख निवृत्ति के लिए, इससे जो शिक्षा मिलती है, इससे जो हमें प्राप्त होगा, प्रयोजन पूर्ति होगा, ऐसा अन्य तरह से नहीं हो सकता है। सबको हम आपके इस माध्यम से हम यह निवेदन करेंगे कि सब यमुना मिशन वालों से सीखें, इनके साथ चलें, इनके सहयोग करें और प्रिया प्रियतम की प्रसन्नता का भागीदार बने। महाराज जी आरती में जा पाए, आरती में आरती के बारे में आपको आरती करके यहाँ का कैसा आनंद है? कहीं मंदिर में ठाकुर जी विराजते हैं, आपका सवाल प्रश्न पूछना ऐसे ही है, मंदिर में ठाकुर जी विराजते हैं तो वहाँ श्रद्धा पूर्वक करते हैं, और मंदिर से उठा करके, जहाँ मंदिर की ही भावना होती है, मंदिर से उठा करके उस भक्त को ले जाया जाए सीधे साक्षात ठाकुर जी के नित्य धाम में, ठाकुर जी के सामने खड़ा कर दे और फिर पूछे कि आपको कैसा लगता है। आज साक्षात जमुना जी के सामने आकर के जमुना जी की आरती करने का यह सौभाग्य मिला है, अब इसमें क्या कहना है। अच्छा महाराज जी, कुछ दो पंक्तियाँ आपसे सुनना चाहूंगी जो हमारे सर तक पहुँचे और वो भी चीज का आनंद उठाते हैं। श्री वृंदावन नित्य हमारे आराध्य हैं, उपास्य हैं, और यह एक विशेष रहस्य की बात है, रसिक जन जानते हैं, ब्रजवासी जन जानते हैं, यहाँ श्री वृंदावन ही आराध्य हैं, उपास्य हैं, और श्री ठाकुर जी वृंदावन की आराधना उपासना करते हैं। श्री वृंदावन महिमामृत में श्री प्रभुदानंद सरस्वती पाद ने लिखा है, महाराज यही बात वहाँ वर्णित है, प्रिया प्रियतम क्यारी सजाते हैं, उसमें छोटा छोटा पौधा लगाते हैं, अपने हाथों से सिंचन करते हैं जल उसमें, और फिर इंची टेप से नापते हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा चलती है, प्रिया प्रियतम किसका पेड़ पहले बढ़ता है, उनका यह कार्य है। तो हमारे प्रिया प्रियतम का यह कार्य है, हम सब इस कार्य को करेंगे,
प्रकृति संरक्षित रहे तो हम सब सुरक्षित हैं। प्रकृति के साथ हम हैं तो सुरक्षित हैं, प्रकृति से दूर जाएंगे तो यही नाना तरह की परेशानी, अभी महामारी ये क्या सब आ रहे हैं। हम सब प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति श्री राधा रानी है, वो उनका आशीर्वाद बना रहेगा। बस यही संदेश है। जय जय जय।